Ladies and gentlemen, very warm welcome to module 182, Globalization. The subject which is very close to my heart these days, because I already said that it is more than a globalization today. It is a McDonaldization. It is a franchise to give a franchise to everything. Aapne outsourcing ki intaha your Your business shuru hua globalization ke liye. ग्लोबलाइजेशन का मकसद ये था कि एक कल्चर एक आइडिया एक फ़िलोसफी एक ट्रेडिशन ये सारी चीज़ें इन्होंने ट्राई करके देख ली लेकिन इससे डिजिटाइजेशन की वजह से आपका सिर्फ मसला ये हुआ कि आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो गई लेकिन कल्चर में कितनी कुछ चेंज आ सकती थी आपका क्या डीएनए तब्दील हो गया आते तब्दील हो गई हुई लेकिन 90 80 परसेंट चेंज हो गई फिर 70 परसेंट तक आ गई लेकिन फिर आपको कल्चर्स में तब्दीली लानी पड़ी फिर मैकडोनलाइजेशन को मैं ग्लोबलाइजेशन से जब जोड़ता हूँ तो उसने सबसे पहला एक केस स्टडी दिया कि इंडिया के अंदर चिकन नहीं चलेगा या अगर आपका मटन बीफ नहीं चलेगा तो आपको आलू की टिक्की के साथ बर्गर पेश करना पड़ेगा फिर इसी तरीके से आपको टर्की के अंदर कुछ और पेश करना पड़ेगा वहाँ आपको मैकडोनल्ड को जो सिर्फ़ बर्गर देता है तो चावल भी देने पड़ेंगे और लैम के साथ देना पड़ेगा वहाँ आपको सिकंदरी कबाब भी बेचने पड़ेंगे और मैकडोनल्ड की ब्रांड के नीचे बेचने पड़ेंगे इसी तरीके से आपने कल्चर्स बढ़ते गए और आपने देखा कि फ्रेंचाइज जो है अपना बिहेवियर चेंज करती रही तो ग्लोबलाइजेशन ने इंफॉर्मेशन तो बढ़ाई लेकिन उसके साथ और भी मामला आता है सो इसी तरीके से कंपटीशन भी हाई हो गया जो हाईएस्ट ऑफ तो द कॉम्पिटिशन है आज आप देख रहे हैं सो उसके अंदर क्या हुआ इंफॉर्मेशन की तादाद बढ़ने लग गई एक जमाना था बिजनेस लोग करते थे बड़े बिजनेसमैन बात करते थे भाई कि भाई कितना यूनिट कॉस्ट पड़ेगा बिजली की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी गैस की कॉस्ट कितनी बढ़ेगी कपड़ा कहां से मिलेगा लेकिन बिजनेस बड़े स्मूथ चल रहे होते थे लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या मिनिमल इंफॉर्मेशन बट द of ऑफ इन्फॉर्मेशन गिव यू asymmetric फॉर्म एसमेट्रिक फॉर्म इज द wrong और अनरियल इंफॉर्मेशन Asymmetric इंफॉर्मेशन इज द wrong और अनरियल इंफॉर्मेशन मतलब आपका टोटल सप्लाई चेन अपने और तरीके से चला गया तो प्रोसीजरल बॉटल uh, नेक्स्ट आ गए आपकी इकोनॉमिक लैक्स आने शुरू हो गए आपकी कॉस्ट चेंज होना शुरू हो गई आपके तक पहुंचते पहुंचते प्रोडक्ट जो है वो प्राइस बढ़ाती जाती है आपने तीस हज़ार पर बात की बात पचास हज़ार तक पहुंचती है आप कोई चीज़ लेने गए हैं जो चीज़ मांगने गए हैं वो आपको मिल नहीं रही सो सप्लाई चेन चेंज होना शुरू हो गई सो कॉम्पिटिशन बढ़ गया अच्छा अब कॉम्पिटिशन जब बढ़ा है सो ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेसिस के ऊपर हम बात करते हैं हम इकडामिक्स थोड़ा सा इसको सोचते हैं पहले तो मैंने यही बात की कि जरूरत तो ये थी कि ये बैरियर्स को दूर करता लेकिन एक्चुअल में हुआ ऐसे नहीं है मैकडोनलाइजेशन हुई मैकडोनल पूरी दुनिया में चला गया लेकिन दुबई में अलग टेस्ट में मिल रहा है अमेरिका में अलग टेस्ट में मिल रहा है लेकिन कोई एक सिंगल बड टेस्ट तो नहीं पैदा हो गया कि एन क्या चेंज हो गए मलेशिया के अंदर क्या लंबे कद के लोग पैदा होना शुरू हो गया अभी चेंज आएगा तो क्या चाइना लंबा कद हो भी जाएगा क्या उसके अंदर की जो इंस्टिंक्ट है वो चेंज हो जाएंगे इसी तरीके से जो है वो येलोस ब्लैक ब्राउन्स वाइट ब्रेड नेक्स इनके जो अंदर की जो जो, जो आप कह सकते हैं फितरत और जबिलत इनकी तब्दीली मुमकिन नहीं होगी मैक्नोलाइजेशन से आपके बिजनेस नेटवर्क को प्रॉफिट जरूर हुआ लेकिन आपने जब टेस्ट चेंज करके उनके मुताबिक दे दिया तो इसका मतलब है आपने फ्लेक्सिबिलिटी को लिया कल्चर इतनी तेजी से अडेप्टेबल और चेंजेबल नहीं है सो so आपको उस तरीके से भी सोचना होगा अब आगे देखें तो ग्लोबलाइजेशन रेफर टू अ प्रोसेस और सेट ऑफ प्रोसेस विच एम्पॉय द ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्पाइटल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सोशल रिलेशन एंड ट्रांजेक्शन एक्सटेंसिटी इंटेंसिटी लॉसिटी एंड इम्पैक्ट मैंने चार चीजें आपके सामने रखी वन इज एक्सटेंसिटी इंटेंसिटी वेलोसिटी एंड इंपैक्ट तो खींची इंपैक्ट आना है आप एक्सटेंसिटी इंटेंसिटी वेलोसिटी तक तो रुक जाइए फिर आगे है आखिरी रिजल्ट आपका इंपैक्ट इंपैक्ट मैंने देखना है कि मुझे जहां मैं कुछ चीज़ पिच कर रहा हूं क्या वही रिजल्ट मुझे देगा या नहीं देगा मैं आपके सामने बर्थ बयान कर रहा हूं तो मेरे ख्याल जो हैं जो उर्दू में तकमील पाएंगे तो मुझे इंफ्रीरिटी कॉम्प्लेक्स में नहीं जाना चाहिए कि मैं अंग्रेजी कितनी शानदार बोलता हूं मुझे इस चीज पर गौर करना चाहिए कि मैं सोचकर जब मैं आपके सामने आउटकम पेश करता हूं तो वो कितनी शानदार होती मेरी अंग्रेजी दुरुस्त होना अच्छी बात है मेरी उर्दू दुरुस्त होना उससे भी अच्छी बात है लेकिन मेरा ख्याल का पेश करके प्रोडक्ट का आपके सामने लेकर आना वो है रिजल्ट और इंपैक्ट सो मुझे वेरी करना है मुझे गेज करना है मेरे इंपैक्ट को दैट जनरेटिंग दैट ट्रांस कॉन्टिन्यूल और इंटर रीजनल फ्लोज सो ये जो ट्रांस कॉन्टीनेंटल और इंटर रीजनल फ्लोज हैं दैट गिव्स यू द नेटवर्क्स ऑफ द एक्टिविटी इंट्रैक्शन एक्सरसाइज ऑफ पावर देखें एक कल्चर के अंदर पूरी पूरी ट्रांस कॉन्टीनेंटल तब्दीली है इधर एशिया है इधर अफ्रीका है अफ्रीका के अंदर तब्दीलियाँ हैं अफ्रीका के अंदर आपके साथ अगर अफ्रीका पूरा इधर आ जाए और आप लोगों के अंदर उस तरह का कल्चर मिंगल हो तो हो सकता है कितनी तेज़ी से होगा मैंने देखा है कि कई जगह के अंदर चाइना के अंदर मैंने क़रीब तर देखा तो जब ट्रांस कॉन्टीनेंटल और ट्रांस इंटर रीजनल जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो या तल्लुक बने तो वो बहुत हद हाँ तक कामयाब नज़र नहीं आए मुझे और उसके अंदर बहुत ज़्यादा या तो कोई मजबूर हो जैसे पाकिस्तानी आमतौर पर मजबूर होते हैं वहां जाते हैं उन्होंने बाकी मुल्कों के अंदर जाते हैं तो वो बिल्कुल ही आपकी बात मान लेते फिर जब पर डे दो के दो सौ के हिसाब से उनको देने पड़ते हैं फिर बच्चों के लिए दस हज़ार यौन जमा कराने पड़ते हैं फिर हर चीज़ गिरवी रखवा के जब वहाँ पर रह रहे होते हैं तो वो वहाँ का सेट वहाँ का माइंड सेट वहाँ का कल्चर अलग हो जाता है यहाँ से जज्बाती होकर तो लोग जब चले जाते हैं तो चले जाते हैं लेकिन वहाँ का रहना वो आपके लिए उतनी ही वहाँ जिंदगी होती है जितनी कि यहाँ हो सकती है आगे देखते हैं जी So, globalization provides companies with access to wide varieties of choice concerning the geographical location, market condition, institutional structures, government policies, and skilled labor. Now, important? Baat hai. Africa is exports of China? China is 54% exports and imports in Africa. Ke Whereas America is only just on the 18%. अच्छा आप वहाँ देखें तो वहाँ पे वो ट्रेड भी कर रहे हैं वहाँ पे उनको लेबर भी सस्ती मिल रही है अफ्रीकन टोटल पचास कंट्रीज है आप तबाक उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं क्रूड ऑयल वहाँ पे आपको मिल रहा है ऑयल मिल रहा है आपको कोल मिल रहा है सब कुछ आपको मिल रहा है सो आपने वहाँ पर फोकस करना शुरू कर दिया अमेरिका वेरस एटीन परसेंट सिर्फ क्रूड ऑयल ले रहा था लेकिन उसकी कोई कंपनी से काम नहीं कर रही थी जापान ने अपना सारा काम उनको दे दिया तो अमेरिका ईज में पड़ गया जो सुपर पावर्स होती है नॉर्मली ईज में चली जाती है कोई भी सुपर पावर होगा वो ईज में चला जाएगा कोशिश कीजिए कि आप हमेशा कंफर्ट जोन में ना जाएं हमेशा एफर्ट जोन में रहें जब तक आप एफर्ट जोन में रहते हैं आप बड़े अटेंटिव रहते हैं ग्लोबलाइजेशन सही से काम करेगी ताकि आपको स्ट्रक्चर्स नए कल्चर्स पता चलते रहें इसी तरीके से अगर आप यहां देखें इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने जैसे लेबर को कर दिया पॉलिसीज आपने देखनी है होम एंड होस्ट कंट्रीज की पॉलिसीज देखेंगे स्ट्रक्चर्स देखेंगे भाई इदारा जाती रवाबत भी तो देखने रहे हैं ना कि मेरा वहां का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहता है यहां का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या कहता है फिर मैं कहां से जमीनें ले सकता हूं कितने की पड़ेंगी मुझे जमीन कितने की पड़ेगी मुझे टैक्सेशन के अंदर कहां कहां छूट मिलेगी अभी आ, मुझे पूरी इंडस्ट्री के अंदर छूट मिलेगी कोई सनत में लेकर जाऊंगा तो मुझसे पूछेंगे कि मैं कहां से पैसा लेकर आया अगर मुझे ऐसे ममालिक मिल जाए तो मेरे से कुछ ना पूछे और मैं वहां पर इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो ये अलग एक पॉलिसीज हैं तो मुझे जोग्राफिकल कंसर्नस देखने हैं मुझे वहाँ पर मेरी एक्सेप्टेंस देखनी है मुझे मुख्तलिफ इदारों के अंदर मेरी एक्सेप्टेंस और इज़्ज़त देखनी है कई लोग वहाँ पर ऐसे तो नहीं है जो मुझे नफरत की निगाह से देखेंगे और ये एक जैन प्रॉब्लम है आप ये देखें कि हम हमारा पाकिस्तान में देख लें कि हम गोरा देखते हैं तो गोरे के लिए जो हम इस तरीके से देखते हैं कि आपकी मुर्शद का बेटा आ गया कोई लेकिन आपको कोई पाकिस्तानी आकर आपके बिजनेस की बात करता है तो आप उसके साथ जो है वो ज़रा डिस्टेंस पर बात करते हैं इसी तरीके से बाकी नेशनैलिटीज जिनको आप अपने से सुपीरियर नहीं समझते आप उनसे उस तरीके से बात नहीं करते सो so, ये, ये एक प्रॉब्लम है और ये एक साइकोलॉजिकल ग्लिच है इसको आगे देखते हैं जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस डिसू रैपिड इंफॉर्मेशन फ्लो एक्सेस द्राइट क्रिटिकल डेटा फास्ट ट्रांजेक्शन सो ये तो आ गया हमारे पास जो फायदे आते हैं वो इंफॉर्मेशन फ्लो कह एक्सेस टू द क्रिटिकल डेटा है और फास्ट ट्रांजेक्शन है जी बड़ी तेज़ी से मिल जाती है इसी तेज़ी से हमें डिसीजन भी लेना होता है लेकिन हम वो चीज़ें छोड़ देते हैं मसलन तो डेटा की बात मैंने की कि ममालिक के, के दरमियान में अगर ताल्लुक मैं नई चीज किताब भी लिख रहा हूँ के अंदर ताल्लुक को अपने मीशत की लेंस से देख रहे हैं जब आप मीशत की लेंस से देखते हैं तो पूरी दुनिया समझ आ जाती है आपको रिसेशन भी समझ आ जाएगा डिप्रेशन भी समझ आ जाएगा किसी को डिप्रेस देना है तो इकोनॉमिक डिप्रेशन दो जब इकोनॉमिक डिप्रेशन दोगे तो वॉर डिप्रेशन देने की जरूरत नहीं है मूविंग ऑन जी कि जो यहां पर बढ़ गई ये ग्लोबलाइजेशन का पॉजिटिव प्रोज था देन ग्लोबलाइजेशन फोर्सेस द कंपनी टू बिकम मोर इतनी ज्यादा कम्पिटिशन है इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आपकी कोई भी चीज जो है वो आउट ऑफ कंपटीशन है ही नहीं हर चीज कट थ्रोट कंपटीशन पे है रेवल्यूशन स्ट्रेटजी के ऊपर है आपकी प्राइसिंग के ऊपर है आपकी ज्योग्राफिक के ऊपर है आपके डिजाइन के ऊपर है हर चीज कॉम्पिटिशन के ऊपर तो जब कॉम्पिटिशन ज्यादा हो जाएगा तो उसमें आप कहां से लेकर आएंगे आपकी राइवलरी ज्यादा ज्यादा होगी होगी आपकी स्ट्रगल मार्केट शेयर आपका जो है वो देखना पड़ेगा मार्केट शेयर या तो आप ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी के ऊपर चले जाएं इज नो कंपटीशन और इेलिवेंट और मेक द कंपटीशन इनरेलीवेंट और रादर फिर आपको जो है रेड ओशन में रहना पड़ेगा तो सप्लाई चेन भी है कॉस्ट भी है प्राइस भी है ज्योग्राफिक भी है behaviour behind such chisong kendra rapo competitions. the padega, that what it says, they have to struggle to keep their market share from the continuous flow of the new entrants from the uh, foreign country. so this is how the social KM uh, provides the opportunity to participate in the global uh, globalisation by people wherever. like one is the new management and new operation practice, distributed decision making, jit,

कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अ डिफरेंट वे आपका कॉम्पिटिशन हायर देन हायर हो गया तो अब क्या होगा कि यहां पर हमें किस चीजों को लेना पड़ेगा टेक द एग्जाम्पल ऑफ मोबाइल फोन जी वेल इन द अर्ली डेज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन कंपनी सच एज नोकिया मेट्रोला वेर मे मेकिंग अपग्रेड टू देअर प्रोडक्ट दैट इज सिग्निफिकेंट इन हीच टू ऑफ थ्री ईयर अब दो साल में तीन साल में डिजाइन चेंज हो रहा है स्क्रीन चेंज हो रही है शिफ्ट चेंज हो रहा है टच टू डिजिटल हो रहा है डिजिटल टू टच हो रहा है बट इरेवेंट करने वाला एक ही एप्पल आया और उसने टच पूरी दुनिया को इरेलीवेंट कर दिया और कितने ही प्रोडक्ट थे आप जरा नोकिया के दौर में आज से ग्यारह साल बारह साल पहले चले जाएँ एरेक्सन सोनी एरेक्सन आपस में मेंचर हो रहे हैं जॉइंट वेंचर हो रहे हैं बिजनेस कॉम्पिटिशन इंतहा का हो रहा है लेकिन उसके बाद किया तो टच पे दुनिया को आईफोन ने एप्पल ने लेकिन सैमसंग ने अडेप्शन ऐसी की, टच में आप कंपटीशन नहीं दे रहा तो मार्केट शेयर कहा है ऊपर लेकिन उसके अलावा ओपो भी है उसके अलावा हवा में भी है भी ऊपर जा रहा है कैपेबिलिटीजर ऑफ द मोबाइल डिवाइस इन लेसर ड्यू टू दार्केट कॉम्पिटिशन

वो have and have पैदा करती है लेकिन इकोनॉमी स्केल पर आना है तो जितना बड़ा स्केल होगा जितनी ज्यादा होंगे जितना ज्यादा माल आप सप्लाई कर रहे हैं जितनी ज्यादा प्रोडक्ट आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल डिवेलप होती है यहाँ याद रखिएगा इकॉनॉमीज ऑफ स्केल कैसे डिवेलप होती है एक्सेस टू फॉरन मार्केट ऑल्सो इंट्रोड्यूस कंपनी टू द न्यू टेक्नोलॉजीट इज मार्ट्रेटीज स्ट्रेटेजी को उर्दू में तस्वीर आई कहते हैं तो स्केल स्ट्रैटेजी आपके कितने स्केल्स हैं उसमें देखना है थ्रू नॉलेज शेयरिंग ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉरन इन्वेस्टर प्रोवाइड द लेवल ऑफ नॉलेज अब आ गया आपके सामने क्रिप्टो अब आपके सामने आ गया बिटकॉइन अब आ गया आपकी दुनिया की अलग मार्केट अब आपके सामने एक विजुअल कॉइन है जिसके ऊपर ट्रेड हो रही है गोल्ड इजर रेलिवेंट ना और मूविंग ऑन दुनिया आगे चलती जा रही है और दुनिया ख्याल पे बेचेगी ख्याल खरीद लेगी ख्याल बेचा ख्याल खरीद लिया पहले ज़माने में ये होता था कि कुछ अरसे में दो नंबर फकीरी जब बेचने शुरू हो गई तो उन्होंने कहा फकीरी एक ऐसी चीज़ है जो बेचने वाले को पता नहीं वो क्या बेच रहा है खरीदने वाले को ये पता नहीं वो क्या खरीद रहा तो एक वर्चुअल सी मार्केट होगी आपने ख्याल बेच दिया उसने ख्याल खरीद लिया तो ये तो ऐसे ही है तुम्हें मैंने खाना दे दिया और तुमने खा लिया तो टेंजिलिटी कहाँ है सो ये आपको शाख्साने मिलेंगे ग्लोबलाइजेशन की मूविंग ऑन थ्रू नॉलेज शेयरिंग वर्कर्स ट्रेनिंग एंड एजुकेशन

रिमूवल ऑफ द मार्केट प्रोटेक्शन ओपनिंग ऑफ द करेंसी मार्केट एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पॉलिसी चेंज मेड बाय द दी एफडीआई वेरी इंपॉर्टेंट ग्लोबलाइजेशन द मेन थीम ऑफ द टोटल ग्लोबलाइजेशन टू अट्रैक्ट द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट चाइना के बेस पर है फिर उसके बाद लेकिन अब भी 6.31 के साथ जो है वो अमेरिका से ज्यादा है लेकिन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जितनी मुझे चाहिए तभी मेरे रिजर्व्स बढ़ेंगे मेरी इंडस्ट्री लगनी चाहिए मेरी सनतें बढ़नी चाहिए मुझे ऐसे मुआदे करने होंगे जिनसे मेरी इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े मेरी एस ग्रोथ करेगी तभी मेरा एफ बढ़ेगा इंप्रूव इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन सो ये जब लोग बाहर से आके मार्केटें बनाते हैं मुझे क्या रिटर्न मिलेगा सो so मुझे आपको जो है वो मैचिंग uh, ग्रांट्स भी देखनी है मैचिंग लेबर भी देखनी है और मैचिंग स्किल सेट भी देखना है ताकि मुझे फ़ायदा हो दिस इज व्हाट द ग्लोबलाइजेशन इज एंड हायर द कंपटीशन हायर द रिस्क एंड हायर एवरीथिंग एंड द नॉलेज इज अबाउ ऑल थैंक यू वेरी मच